हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी टेट और सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो आपके नवंबर और दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए आपके पास मुश्किल से एक महीना बचा है यूपी टेट के लिए, और सी टेट के लिए आपके पास डेढ़ महीना बचा है, ठीक है, 1.5। तो साथ में तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए कि साथ में ही मतलब सी टेट यूपी टेट की तैयारी हो जाए। हालांकि दोनों का लेवल अलग रहता है, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल तरीके का, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो, बट कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। आज का वीडियो जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ एक 4 वर्षीय बीएड समथिंग लाइक करके ऐसे ही कुछ करके एक इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया गया है एजुकेशन फील्ड में, मतलब शिक्षा के फील्ड में, ठीक है। जैसे कि आप डिग्री होती है ना, वैसे ही 4 वर्षीय डिग्री अब की जाएगी, ठीक है, बीएससी बीएड जैसे होता है, तो इस तरीके से बीएससी बीएड टाइप का एक डिग्री मतलब जो है लागू किया जाएगा। एनसीटी के माध्यम से शुरू किया गया है, उसको अप्रूव्ड है, तो अब अगले वर्ष से वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी तरीके की कुछ सूचनाएँ हैं वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हमारी सूचना है यूपीपीएससी ने जारी की उत्तर कुंजी, ठीक है। उत्तर कुंजी जारी का यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था 24 अक्टूबर को, तो उन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 का जो उत्तर कुंजी है आंसर की वो जारी कर दी, सभी सीरीज के, ABCD सभी सीरीज का। अगर आपको उसकी आपत्ति दर्ज करानी है, मतलब उस पर ऑब्जेक्शन करना है कोई क्वेश्चन अगर गलत है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो गलत हैं, नीचे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मतलब गलत माने जा रहे हैं, तो हो सकता है कट ऑफ कम जाए या इस तरीके से कोई कट ऑफ बढ़ सकती है, कम हो सकती है, तो मान के चलिए चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। जो क्वेश्चन गलत होंगे उनके नंबर जो हैं सभी बच्चों को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता अगर नंबर अगर डिलीट कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर, अगर क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए 150 क्वेश्चन है और अगर इसमें से डिलीट कर दिया गया दो क्वेश्चन, तो 148 पे मेरिट बनती है, ठीक है। 148 क्वेश्चन पे आपका जो कट ऑफ है वो बनता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो 2 नवंबर तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और 3 नवंबर शाम 5 बजे तक जो प्राप्त होने वाली आपत्तियां हैं उन पर जो है आयोग विचार करेगा, और बिना साक्ष्य एवं अपठनीय आपत्तियों पर विचार आयोग जो है विचार नहीं करेगा, ओके। चलिए हमारी दूसरी न्यूज़ जो है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी बच्चों के लिए, जो UGPG छात्रों को नवंबर से लैपटॉप दिलाने की यहाँ पर बात की जा रही है, कि UGPG छात्रों को नवंबर से स्मार्टफोन देने की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे लैपटॉप और टैबलेट जो है वो जिनको मिलेंगे उनकी अभी यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बस दिया है कि लैपटॉप स्मार्टफोन की खरीद जो है प्रक्रिया वो तेज हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की युवा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने की मुहिम परवान चढ़ रही है। पहले चरण में युवाओं को देने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद की प्रक्रिया तेज हुई है। औद्योगिक विकास विभाग की ओर से टैबलेट और स्मार्टफोन की खरीद के लिए 1 या 2 दिन में टेंडर जारी करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, ठीक है। मतलब अभी ऐसा मतलब जब टेंडर जारी हो जाएगा तभी मान के चलिए कि मतलब आपका लैपटॉप जो टैबलेट और स्मार्टफोन जो है वो मिलना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। टेंडर जारी होने का मतलब है टेंडर एक जारी करेंगे, उसके बाद में उस टेंडर को मतलब जारी करने के बाद में जो लैपटॉप और ये सब चीज़ें खरीदने का जो प्रोसेस है पूरा स्टार्ट होगा और आपको वितरण करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमने मतलब राशन दिया है, ये सारी चीज़ें मतलब गोंडा गए थे, गोंडा में उन्होंने कुछ परियोजनाएँ थी, कुछ शिलान्यास उनका वहाँ पर किया है, तो इन सभी को लेकर के यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा लैपटॉप का वितरण। अब यहाँ पर कल जो है PGT का जो है परिणाम जारी किया गया था, तो अभी एक हिस्से में परिणाम जारी हुआ था, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 हिस्सों में परिणाम जारी किया जाएगा। 17-18 अगस्त को 2595 पदों के लिए जो परीक्षा है वो आयोजित की गई थी, और 2 तिथियों में लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने PGT और TGT भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर तक पूरी करने में जुटा है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि TGT और PGT दोनों की जो वैकेंसीज के जो रिजल्ट हैं वो जल्द से जल्द जारी करें, ठीक है। यहाँ पे लिखा PGT भर्ती में साक्षात्कार होने के कारण लिखित परीक्षा TGT से 10 दिन बाद कराने के बावजूद परिणाम पहले घोषित किया गया, मतलब जो साक्षात्कार था इसका बाद में हुआ है, ठीक है। मतलब इसका जो लिखित परीक्षा का परिणाम है PGT भर्ती में साक्षात्कार होने के कारण, ठीक है, PGT की जो परीक्षा है उसमें साक्षात्कार होने के कारण लिखित परीक्षा TGT से 10 दिन बाद कराने के बावजूद परिणाम पहले घोषित किया गया है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कुछ मतलब जो जैसे कि कल जो आंसर की वो कट ऑफ जारी की गई थी, तो उसका मतलब 24 घंटे के अंदर दूसरी कट ऑफ डाली है, क्योंकि वहाँ पे वो उस कट ऑफ को लेकर के यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कुल 23 विषयों में प्रवक्ता संवर्ग के 2595 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 17 और 18 अगस्त को परीक्षा कराई थी। 2 तिथियों में
उत्तर माला जारी करके अभ्यर्थियों से उनका आपत्तियां मांगी गई थी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे ऐसा कहा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो अगली न्यूज़ है वो ये है कि 24 घंटे से भी कम समय में बदला कट ऑफ। जो TGT का जो रिजल्ट जारी हुआ था, कट ऑफ जारी हुई थी, ठीक है, उसका मतलब जो लिखा है 21 को सभी विषयों का मंगलवार को जारी हुआ था, ठीक है। जो रिजल्ट है चयन बोर्ड ने, वो आंसर की जो है सभी विषयों का मंगलवार को जारी हुआ था अंतिम परिणाम। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड को 24 घंटे से भी कम समय में अपनी चूक के कारण TGT 2021 के दो विषयों का जो है संशोधित कट ऑफ जारी करना पड़ा था, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि बुधवार को कई अभ्यर्थी इस मामले को लेकर के, शिकायत को लेकर के चयन बोर्ड के पास पहुँचे और देर रात संशोधन करने को कट ऑफ जारी किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि रिवाइज उत्तर कुंजी के 6 प्रश्नों पर आपत्ति की बात यहाँ पे कही जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपत्ति के प्रश्न जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं कि इसी तरह प्रश्न संख्या 68, ठीक है, 111, 118, 120, 121 पर जो 21 पर जो है इन्होंने संशोधन की बात कही है, ओके। चलिए हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है कि छात्रवृत्ति के फॉर्म नहीं भर पाएंगे कई विद्यार्थी। यहाँ पे दिया हुआ है कि समाज कल्याण विभाग की ओर से कक्षा 9 और 10 के लिए संचालित पूर्व दशम छात्रवृत्ति जो योजना है, मतलब कक्षा 9 10 के जो बच्चे हैं उनकी जो लास्ट डेट थी, ठीक है, वो एक्सटेंड हो गई थी, ठीक है। अंतिम तिथि जो थी वो 28 अक्टूबर थी, जबकि नवीन समय सारणी में इसे 21 अक्टूबर कर दिया गया, ठीक है। मतलब जो पहले क्या थी, पुरानी जो समय सारणी थी उसमें 28 अक्टूबर थी, कि 28 अक्टूबर थी वो लास्ट डेट थी, लेकिन उसके बाद इसको कम कर दिया गया, ठीक है। इसकी जानकारी ना हो पाने के कारण सर्वर बार बार डाउन होने व आधार प्रमाणीकरण के चलते कई विद्यार्थी समय से ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए। उन्हें उम्मीद थी कि वेबसाइट 28 अक्टूबर तक काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब इन्होंने 28 नवंबर पहले फिक्स किया था, ओके, 9th और 10th के बच्चों के लिए, उसके बाद उन्होंने 21 अक्टूबर ही कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे जो बहुत से बच्चे हैं 9th 10th के, वो उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए हैं, लेकिन जो 11th 12th के हैं और जो BA BSc BCom जो आगे दसमोत्तर जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, पोस्ट करके कुछ समथिंग ऐसे कहते हैं, तो मतलब पोस्ट 12th एंड अदर देन, ठीक है, करके इसको बोलते हैं। तो जो यहाँ पे एक उनका 30 नवंबर जो लास्ट डेट बढ़ गया, ठीक है, जो 11th 12th और जो आगे के बच्चे हैं BSc BCom BEd ये सब के जो बच्चे फॉर्म जो भरते हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर कर दी गई है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई और 21 अक्टूबर ही लास्ट डेट इनकी मानी गई थी। बहुत से बच्चे 28 अक्टूबर लास्ट डेट मान रहे थे। अब देखिए, मतलब इस तरीके से चीटिंग करने का क्या मतलब, कोई समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए इनको, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ऐसा किया है। और बहुत से बच्चे जो क्लास 9-10 के थे वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए। अब यहाँ पे एक बहुत ही मतलब 4 वर्षीय इंटीग्रेट BEd कोर्स की जो है अगले सत्र से शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अभी तक क्या था, 4 वर्षीय DEd कोर्स होता था, BEd कोर्स होता था, लेकिन BEd कोर्स जो है 4 वर्षीय नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया स्कूली शिक्षा के ढांचे के साथ ही केंद्र मतलब होता था, लेकिन BSc BEd होता था, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट जो है 4 वर्षीय जो इंटीग्रेट कोर्स है वो इसमें मतलब शामिल कर लिया गया। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके साथ 4 वर्षीय इंटीग्रेट BEd कोर्स को मंजूरी दे दी गई है। इसकी शुरुआत अगले शैक्षणिक सत्र से होगी, जिसमें कोई भी छात्र अब 12वीं के बाद प्रवेश ले सकेगा। फिलहाल जो नए कोर्स शुरू किए गए हैं उनमें BA BEd, BSc BEd और BCom BEd शामिल हैं, ठीक है। इसमें आपका मतलब BSc BEd भी जो है आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, वो कहीं भी ग्रेजुएशन मान्य रहेगा, ओके। तो ये सभी चीज़ें होंगी 2030 से स्कूलों में, ठीक है, 2030 से स्कूलों में सिर्फ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd कोर्स करने वालों की ही भर्ती होगी। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब 2030 से स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd कोर्स करने वाले शिक्षकों की ही भर्ती हो गई। लेकिन यहाँ पे कोई प्राइमरी की बात नहीं की जा रही, तो इसीलिए आप लोग घबराइए मत कि यहाँ पे प्राइमरी की बात हो रही, यहाँ पे सिर्फ 4 वर्षीय मतलब स्कूलों की बात की जा रही, प्राइमरी स्कूलों की बात नहीं की जा रही, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। फिर यहाँ पे दिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम से जुड़ी अधिसूचना भी जारी कर दी है। फिलहाल इस कोर्स की शुरुआत अभी देश में सिर्फ 50 अक्षर संस्थानों से ही की जाएगी, बाद में इसे और विस्तार दिया जाएगा। इस कोर्स से शिक्षक बनने का सपना देखकर छात्रों की पढ़ाई न केवल 4 साल में पूरी होगी, बल्कि उन्हें दोहरी डिग्री भी मिलेगी, ठीक है। और अभी तक शिक्षक बनने के लिए 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का BEd करना होता था, लेकिन 5 साल लगते थे इसमें, अब सिर्फ 4 साल ही लगेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे एक सुविधा जारी कर दी कि जिन लोगों को टीचर बनना है वो डायरेक्ट BSc BEd, जैसे कि LLB जो बनते LLB करते हैं ना, तो BA LLB कर लेते हैं, ठीक है, तो सेम वही यहाँ पे प्रोसीजर किया गया है। अब हम आते हैं PCS प्रारंभिक परीक्षा के जो कुछ प्रश्नों में अशुद्धि की बात कही गई है। तो भाषा विज्ञानी और समीक्षक आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे जी ने, जो हिंदी भाषा की जो मतलब किताबें इनकी भी चलती हैं पृथ्वीनाथ पांडे जी की, तो इन्होंने कहा है कि जो CSET का प्रश्न है 16 के प्रश्न संख्या 16 के सभी उत्तर विकल्प को अशुद्ध बताया है। और उन्होंने कहा है प्रश्न संख्या 1 3 4 5 7 6 8
और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13, 15, 16, 17, 19, 22 के प्रश्नों करने के लिए जहां सकारात्मक वाक्य प्रयुक्त किए गए हैं उनके आगे विवरण चिन्ह लगेंगे, ठीक है, उनके आगे विवरण चिन्ह लगेंगे। वाक्य के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्रश्न संख्या 5 से 9 के अंतर्गत गद्यांश में 2 स्थानों पर पूर्ण विराम चिन्ह, ठीक है, कि ठीक आगे किंतु और एक स्थान पर प्रयोग किया गया। मतलब यहाँ पे कहा गया कि जो छोटी छोटी अशुद्धियाँ हैं यहाँ पे उन्होंने ये बताई हैं, जो कि मतलब एक तरीके से बड़ी भी मानी जा रही है, क्योंकि पेपर पीसीस का पेपर है, कोई हल्का फुल्का पेपर नहीं था और क्वालिफाइंग पेपर था, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसकी एक गलती हमारा नंबर जो है, मतलब जो हमने एग्जाम दिया है उसको कट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ अशुद्धियाँ भी बताई हैं, तो इसको लेकर के आप लोग आयोग को मतलब भेज सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया है कि कैसे भेजना है। यहाँ पे लास्ट न्यूज़ है हमारी कि बीएड की पोल काउंसलिंग में 18,300 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हो गई है, और पोल काउंसलिंग के बाद में अब आप लोग एडमिशन कराइए जा करके स्कूल में जहाँ पे जहाँ जहाँ आपको एडमिशन के लिए पोल काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला है, और एडमिशन कराने के बाद में अपना जल्दी से जल्दी जो आपका आपका जो स्कॉलरशिप फॉर्म है वो फिल कीजिए, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। ओके, तो आई थिंक आज की न्यूज़ जितने ही इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की है, और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान रखें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।